अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाना सिखाएंगे गोलगप्पों की रेसिपी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा इसके लिए मैदा, सूजी। वैसे तो गोलगप्पे आटे के साथ भी बन सकते हैं, लेकिन हम आपको मैदे के साथ बनाना सिखाएंगे। मैदा और सूजी चाहिए होगी इसके लिए। इसका आसान तरीका आपको ये बताऊँगी कि यानी आपने अगर एक कप मैदा लिया है तो उसका तीसरा हिस्सा आप सूजी लेंगे। इसी तरह अगर आपने 4 चम्मच मैदा लिया है तो आप 1 से 1.5 चम्मच उसमें सूजी ऐड करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह यहाँ मैंने अभी तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैदा लिया है और तकरीबन 1.5 चम्मच सूजी ऐड की है। अब हम आपको ये डो बना के दिखाते हैं कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले तो आप दोनों चीज़ों को छान लें अच्छे तरीके से। हल्के हाथ से दोनों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि सूजी और मैदा जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए आपस में। इसके बाद आप गुनगुना सा पानी लेके इसको हल्के हाथ से गूंद लें। ना ही आपने आटा ज़्यादा सख्त करना है और ना ही नरम, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस रेसिपी में आपको किसी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम आपको सिर्फ 2 चीज़ों से ही ये गोलगप्पे बना के दिखाएंगे। पानी एकदम आपने ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। बस व्यूअर्स ध्यान रखिएगा, आटा ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए वरना आपको बेलने में मसला हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा नरम हो गया तो फिर वो गोलगप्पे फूलेंगे नहीं आपके। हमारा आटा अच्छे से तैयार हो गया। अब इसको किसी भी शॉपिंग बैग में डालकर आप कुछ देर के लिए रख दें, यानी एयर टाइट कर दें इसको आप। अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप इस तरीके से भी आप आटे को एयर टाइट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आटा थोड़ा सा फूल जाता है। आफ्टर 10 to 15 मिनट हमारा आटा रेडी हो गया। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। छोटे बड़े जितना साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से कर लें। अब दूसरी तरफ आप ऑयल भी गर्म कर लें। ऑयल आपका ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। अब हम इन पेड़ों को बेल लेते हैं। हल्का सा खुश्क आटा लगा लें ताकि आटा जो है वो चिपके नहीं आपका। हल्के हल्के हाथ से इसको बेल लें। अब आप इसको किसी सांचे या कटर की मदद से इसको निकालें। मेरे पास एक बोतल का ढक्कन पड़ा हुआ था, मैंने तो वही यूज़ कर लिया। साथ ही हम इसको डालना शुरू करते हैं। ये फ्राई हो रहे हैं हमारे गोलगप्पे। आपने कोशिश ये करनी है जैसे ही आप डालें इस फ्राई करने के लिए, साथ ही इसके ऊपर गर्म ऑयल डालना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर ऑयल नहीं डलेगा तो आपके गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। माशाल्लाह से ये देखिए हमारे को। लाजमी नहीं है कि आप जितने इसमें डालें तो वो सारे फूल जाए। कोई कोई ऐसा होता है कि वो नहीं भी फूलता, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमारे पास और भी आटा पड़ा हुआ है, इसको भी हम बेल लेते हैं हल्के हल्के हाथ से। बस जहाँ आपको खुश्क आटा लगाने की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आप लगाएं। आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, एक ही बार आपने बहुत सारे नहीं बना के रख लेने, क्योंकि आटा पड़ा पड़ा नरम हो जाएगा तो जब आप फ्राई करेंगे तो वो फूलेंगे नहीं। कोशिश करें जैसे जैसे बेलते जाएं वैसे वैसे आप साथ साथ फ्राई करते जाएं इसको। फिर देखें कुछ फूल रहे हैं और कुछ नहीं, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। तो व्यूअर्स घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। बहुत आसान है बनाना इनको।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस आपने ध्यान रखना, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होने देना। छोटे बड़े साइज़ आप बना सकते हैं, जितना साइज़ आपको पसंद हो उस साइज़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। छोटे छोटे पेड़ों की मदद से भी, या फिर आप कोई सांचे आप ले लें, कटर ले लें, उसके हिसाब से आप अपने साइज़ के आप बना लें। व्यूअर्स आप देख सकते हैं, हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, ऐसी कोई चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की। इसी वीडियो को इंशाल्लाह पार्ट टू बनाऊंगी, जिसमें फुलगप्पों का पानी बनाना सिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, तब तक वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।